खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाएं और हमारे R9 टीवी को सब्सक्राइब करें। सियासी गलियारों से खबर, जहां पर राहुल गांधी ने आज मोदी सरकार को लेकर के, प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह को लेकर के कटाक्ष प्रहार किया कि ये सरकार भाई को भाई से लड़ाती है और भाई को भाई से लड़ा करके दिलों में दूरियां पैदा करके बिना गरीब मजदूर और निचले तबके लोगों को साथ में लेकर के इकोनॉमी को, आर्थिक हालात को बेहतर नहीं किया जा सकता। यानी कि एक तीर से कई निशाना राहुल गांधी ने आज साधने की कोशिश की है। आइए सुनते हैं राहुल गांधी ने क्या कहा। देखिए, चाहे NRC हो, चाहे NPR हो, ये हिंदुस्तान के गरीब लोगों पर एक टैक्स है। आप नोटबंदी को समझिए, नोटबंदी हिंदुस्तान के गरीब लोगों पर एक टैक्स था। बैंक में जाइए, पैसा दीजिए, अपने अकाउंट से पैसा नहीं निकालिए और पूरा का पूरा पैसा वहीं 15-20 लोगों को। ये भी बिल्कुल वही चीज़ है। जाइए अफसर के पास, जाइए, गरीब आदमी जाएगा, अपने कागज़ दिखाइए, रिश्वत दीजिए, आपका नाम थोड़ा गलत है तो रिश्वत दीजिए। करोड़ों करोड़ों रुपए हिंदुस्तान की गरीब जनता के जेब में से निकालकर उन्हीं 15 लोगों के जेब में जाएंगे, ये है। राहुल गांधी ने अपने अंदाज में सरकार पर प्रहार किया, निशाना साधा, मगर अमित शाह आज पहुंचे थे हिमाचल प्रदेश, जहां पर सरकार के 2 साल पूरे हो रहे थे, मगर राहुल गांधी को चैलेंज करते हुए कहा कि दरअसल लोगों से अपील की उन्होंने कि ये राजनीतिक दल, राजनीतिक पार्टियां, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी अपने स्वार्थ के लिए, वोट की फसल काटने के लिए हमें आपस में लड़ा रही है। आप सबसे अपील करता हूं, अमित शाह ने कहा कि मुस्लिम भाई बहनों से मैं अपील करता हूं कि आप इस कानून को समझिए, दूसरों को समझाइए, ताकि ऐसे लोगों की सियासी रोटियां सेकने की जो मंशा है वो कामयाब ना हो सके। इसी बीच में राहुल गांधी को चैलेंज करते हुए कहा कि राहुल बाबा, जरा समझिए, सोचिए, देखिए और आइए बहस कर लीजिए। मित्रों, राम जन्मभूमि के लिए भी कांग्रेस की सरकार ने बहुत टाल मटोल की। जब भी केस आता था, कांग्रेस के नेता जाकर बताते थे, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। मुझे तो मालूम ही नहीं पड़ता था उनके पेट में दर्द क्या था। अभी सुप्रीम कोर्ट में केस चला और सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दे दिया कि वही भूमि पर जहां प्रभु श्री राम जन्मे थे, आसमान को छूने वाला राम मंदिर बनने वाला है।